बुधवार को हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष मीरा राठौर और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट के नेतृत्व में मालरोड स्थित पुरातत्व विभाग कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सीआईएसएफ द्वारा जारी किए गए विवादास्पद वीडियो की घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ताजमहल के मुख्य मकबरे के अंदर पानी की बोतल ले जाने पर प्रतिबंध के कारण पर्यटकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की तीव्रता और आगरा के तापमान के चलते पर्यटकों के लिए लगातार पानी पीना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, लेकिन अब उन्हें मुख्य मकबरे के अंदर पानी की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं है, तो उन्हें तेज गर्मी के बीच सूखे और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पानी की बोतल पर प्रतिबंध के बावजूद ताजमहल परिसर में कई जगहों पर पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन पर्यटकों का कहना है कि ये पानी के स्टॉल अक्सर भीड़भाड़ वाले होते हैं और लाइन में खड़े होने से समय बर्बाद होता है। काफी अच्छा है, काफी सुंदर है, बहुत क्लीन भी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पर एकदम जो जहाँ पे अंदर तक वहाँ तक पानी का बोतल ले जाना अलाउ नहीं है। जैसे बच्चे वगैरह होते हैं वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी मिलता है, तो पानी वगैरह पीने का थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। बाकी ऐसा तो सब ठीक था, नीचे तक पानी ले जा सकते हैं। हाँ, ऐसे खाने का सामान वगैरह नहीं ले जा सकते हैं अंदर, बाकी सब ऐसा बैग वगैरह भी बाहर रखना पड़ता है। एक पर्यटक ने अपनी चिंताओं को साझा करते हुए कहा कि हमने अपनी योजना बनाई है, लेकिन अब पानी की बोतल पर प्रतिबंध से हमें बहुत परेशानी हो रही है। काफी अच्छा सुंदर है, बहुत क्लीन वगैरह है, और ऊपर पानी लेके जाने नहीं दे रहे क्योंकि ऊपर काफी गर्मी है। और ऊपर मैं यहाँ पे अंदर लेकर गया, अंदर तो काफी अच्छा है, बैठने की भी जगह है, गांज भी है। गनीमत ये है कि हाल ही के दिनों में मौसम में थोड़ी राहत मिली है और तापमान में कुछ कमी देखी गई है, जिससे पर्यटकों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जैसे ही तेज धूप और गर्मी वापस लौटेगी तो पर्यटकों की समस्याएं और बढ़ सकती हैं। यदि तापमान फिर से बढ़ता है तो बिना पानी के यात्रा करने से पर्यटकों की हालत और खराब हो सकती है। सी न्यूज़ के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।